हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हपानसूर। चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2 एंड दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड थर्ड किंगडम फंजाई इज गोइंग ऑन। ओके, बिफोर दैट वी वर डिस्कस्ड अबाउट द फाइकोमाइसिट्स एंड एस्कोमाइसिट्स। इज दैट क्लियर? आज हम नेक्स्ट दो क्लासेस के बारे में बात करेंगे, दैट इज बेसिडियोमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स। ओके, सबसे पहले बात करते हैं बेसिडियोमाइसिट्स। तो इसको बेटा ब्रैक्ट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। इज क्लियर? ब्रैक्ट फंजाई बहुत ही मेन फंजाई है हम लोगों के लिए, बिकॉज इसमें जो मशरूम हम ईटिंग करते हैं, मशरूम की सब्जी भी बनती है, वो हमारी मशरूम से इसी में आती है। ठीक है? ओके, ब्रैक्ट फंजाई कहते हैं। इसमें मेनली रस्ट और स्मट्स आती है। ये कहीं भी जो लॉग्स ऑफ वुड है, कुछ अदर मॉइस्ट प्लेसेस है, वहां पे ये ग्रो करती है। इसमें स्पेशली रस्ट एंड स्मट वाली फंजाई आती है, यानी जो डिजीज कोज करती है। ठीक है? रस्ट और स्मट वाली जो डिजीज कोज करती है, उसमें वो वाली फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज में आती है। इज दैट क्लियर? माइसिलियम की बात करें तो एक्सेप्ट फाइकोमाइसिट्स। फाइकोमाइसिट्स का जो माइसिलियम था वो कैसा था? सिनोसिटिक था। ओके, बाकी जो है वो कैसे है? ब्रांच और सेप्टेट है। इज दैट क्लियर? ब्रांच और सेप्टेट का मतलब आपको पता है, इस टाइप का माइसिलियम है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें कोई सेक्सुअल स्पोर्स की फॉर्मेशन नहीं होती। अंडरस्टैंड? जैसे जू स्पोर या प्लेनोस्पोर, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, या कोनिडियोस्पोर्स जो मेनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसमें ऐसे कोई स्पोर्स नहीं होते। यस, बट इट कैन ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें, हालांकि ए सेक्सुअल स्पोर्स नहीं है, बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और वो कैसे होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की हेल्प से। और उसमें है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपको पता है स्पाइरो वगैरह में भी इसी से होता है कि मैच्योर होने के बाद ये पीसेस में सेपरेट हो जाती है और हर एक पीस से नया अपना पूरा इंडिविजुअल फॉर्म तैयार कर लेती है। ओके, बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कोई ऐसा खास स्पोर्स नहीं होते कि जैगो स्पोर्स है या कोई अलग स्पोर्स है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोज करते हैं, नहीं। बट इसमें जनरली जो जनरेटिव या सोमेटिक हाइफा होते हैं, ठीक है, जो जनरेटिव सेल्स, सॉरी, जो जनरल सेल्स, सोमेटिक सेल्स हैं, सोमेटिक सेल्स क्या करती हैं? वही पार्टिसिपेट करती हैं। क्लियर है? यानी ये इसके क्या है? हाइफाज है। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इस हाइफा की जो ब्रांच है वो यहाँ तक इंक्रीज कर गई, इधर इस हाइफा की ब्रांच इंक्रीज कर गई। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे? सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है प्लाज्मोगेमी। कौन सा प्रोसेस होता है? प्लाज्मोगेमी। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, प्लाज्मोगेमी के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो कैरियोगेमी है। लेकिन अभी इसमें कैरियोगेमी होगा नहीं, तो इसमें आपको हर एक जो सेप्टा है उसके अंदर आपको दो न्यूक्लियस दिखाई देंगे। ठीक है? और इस दो न्यूक्लियस वाली स्टेज को एन प्लस एन को हम बोलते हैं डाइकैरियोट्स। ठीक है? डाइकैरियोट वाली स्टेज आ जाती है इसमें, यानी दो जो सोमेटिक हाइफास है उनकी ही ब्रांचेस आपस में फ्यूज करती है। फ्यूज करके प्लाज्मोगेमी वाला प्रोसेस होता है, और उसके बाद ये प्लाज्मोगेमी का प्रोसेस होके क्या होता है, एक नया हाइफा, नए हाइफा की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? ये जो नया हाइफा है इसमें जो कंडीशन होती है न्यूक्लियस की, वो एन प्लस एन वाली कंडीशन होती है, यानी डाइकैरियोन वाली या डाइकैरियोटिक फेज होती है। अब ये जो हाइफा है ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ करता है। इज दैट क्लियर? बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ करता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है, और ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। आपने देखा होगा मशरूम्स की जो बॉडी होती है वो ऐसी ही होती है अप्रोक्सीमेटली। तो इसमें क्या होता है, जनरली क्या हुआ कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, प्लाज्मोगेमी के बाद एक नया हाइफा की फॉर्मेशन हुई, तो ये इस हाइफा ने बहुत एक्स्ट्रा अनवांटेड ग्रोथ की, और जिससे क्या बन गया, बेसिडियोकार्प की फॉर्मेशन होगी। लेकिन जब बेसिडियोकार्प के अंदर की साइड आप देखेंगे तो वहां पे आपको यही डाइकैरियोन वाली स्टेज नजर आएगी, जिसमें डाइकैरियोन वाली स्टेज। ठीक है? यहाँ पे वही आपको डाइकैरियोन वाली स्टेज नजर आएगी। क्लियर बेटा? अब ये जो डाइकैरियोन वाली स्टेज है, अब क्या होगा यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर, जिसके अंदर डाइकैरियोन, इनको हम बोलते हैं बेसिडियम। बेसिडियम किसके अंदर है? बेसिडियोकार्प के अंदर है। अब इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा? कैरियोगेमी। ठीक है? यानी न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा। ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, दोनों न्यूक्लियस मैंने सेपरेट बनाए, एक ब्लैंक बना दिया और एक फिल कर दिया कलर से। तो यहाँ पे डाइकैरियोन वाली स्टेज हो रही है, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं। ओके, फ्यूज करने के बाद कौन सा प्रोसेस होता है? मियोसिस प्रोसेस होता है। इजेक्टली, और इस मियोसिस से क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ओके, ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स आपको दिख रहे हैं, बेसिडियो स्पोर्स, ये बेसिडियम के एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है? बेसिडियम के एक्सोजीनियसली, आपको मैंने बताया था एंडोजीनियसली यानी उसके अंदर, और एक्सोजीनियसली यानी उसके बाहर। तो
तो ये इसके बाहर आपको दिखाई दे रहे होंगे बेसिडियो स्पोर्स। इज दैट क्लियर? तो आपको समझ में आ गया बेसिडियो स्पोर्स कहाँ होते हैं? बेसिडियम के ऊपर होते हैं। बेसिडियम कहाँ होते हैं? बेसिडियो पार्ट के अंदर होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये थी इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली साइकिल। अब बात करते हैं देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स तो आपको याद रखना है, तो एगेरिका सेल जिसको हमारा मेन मशरूम हम बोलते हैं, सांप की छतरी भी बोलते हैं आप मशरूम। एक अस्टील गो है जिसको स्मट फंजाई के नाम से जानते हैं, स्मट फंजाई, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्मट फंजाई। और एक पक्सीनिया है जिसको हम रस्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है इस वाली कैटेगरी में कौन सी फंजाई आते हैं जो स्पेशली रस्ट और स्मट कोज करते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? अब देखते हैं लास्ट वाली क्लास ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो देखिए ड्यूटेरोमाइसिटिस में आपको ध्यान रखना है, ड्यूटेरोमाइसिटिस को आप एक तरह से वेस्ट बॉक्स भी कह सकते हैं, इसको इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। देखिए इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि साइंटिस्ट मानते हैं कि एक तो सबसे पहले बात तो ये कि इसमें कोई सेक्सुअल स्टेज नहीं होती, ठीक है, यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू भी ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती है, बट इसमें सेक्सुअल जो स्टेज है वो एबसेंट होती है। ठीक है, सेक्सुअल स्टेज एबसेंट होने की वजह से इसको क्या कहा गया कि ये एक इम्परफेक्ट फंजाई है। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर फंजाई मिली और इसमें साइंटिस्ट ने जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि इसमें सिर्फ ए सेक्सुअल स्टेज है, तो उठा के उन्होंने ड्यूटेरोमाइसिटिस में डाल दिया उसको। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटिस में डाल दिया और बाद में जब इन्होंने रिसर्च की तो पता लगा कि नहीं इसमें तो सेक्सुअल स्टेज भी होती है, तो इसको उठा के जिस भी पर्टिकुलर क्लास से ही बिलोंग करती है, एस्कोमाइसिटिस से, फाइकोमाइसिटिस से, बेसिडियोमाइसिटिस से, तो उसमें इसको एंटर करवा दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि मान लीजिए ये सेम फंजाई ए है, ठीक है, कुछ साइंटिस्ट ने देखा कि भाई इसके अंदर ए सेक्सुअल साइकिल तो होती है, ठीक है, और कुछ साइंटिस्ट ने इसी फंजाई को लेटर ऑन जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने सेक्सुअल साइकिल भी ऑब्जर्व की इसमें, बट दोनों ही साइंटिस्ट को ये नहीं पता लगा कि फंजाई सेम है, तो ऐसे में भी इस फंजाई को उठा के इसी में डाल दिया। फिर बाद में पता लगा कि नहीं, अरे बोले जो ए फंजाई थी उसी की सेक्सुअल साइकिल मिल चुकी थी, तो फिर उसको उठा के उस पर्टिकुलर क्लास में बिलोंग कर दिया। यानी कोई भी फंजाई जिसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पता लगा कि ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसको उठा के ड्यूटेरोमाइसिटिस में डाल देते हैं एक तरह से वेस्ट बॉक्स है। और जो पता लगता है कि नहीं इसकी कुछ और भी सेक्सुअल साइकिल भी है और कुछ और अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उनको उठा के उसके पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो इसको इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल लाइफ साइकिल नहीं देखी गई। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें देखा गया, ए सेक्सुअल ये कॉनिडिया से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, माइसीलियम सेम है, ब्रांच जो है सेपरेट है। इसके एग्जाम्पल्स मेनली आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स सीएटी से आप याद रख सकते हैं, कैट से कोलेटोट्राइथम है, अल्टरनेरिया है, ट्राइकोडर्मा है। इसके मेन जो इम्पोर्टेंस आप देख सकते हैं कि बहुत पैरासिटिक है, सैप्रोफिटिक है, ऊपर उसके अलावा इसकी यूज है, इट इज हेल्पिंग इन मिनरल साइक्लिंग। क्लियर बेटा? तो ये था हमारा फंजाई के बारे में, फंजाई वाला जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए बेटा आप वीडियो देखिए, समझिए, नोट्स को राइट डाउन कीजिए, बट एनसीईआरटी की रीडिंग मस्ट है। आपको एनसीईआरटी बुक लेनी है, उसकी हर एक लाइन आपको स्टडी करनी है, इट इज वेरी एसेंशियल। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको फंजाई क्लियर हो गया होगा। हैव ए गुड डे।